नॉर्थ कोरिया के पूरे मिसाइल प्रोग्राम के पीछे के मास्टरमाइंड का खुलासा हो गया है। वो एक कम उम्र का वैज्ञानिक है जिसे किम जोंग उन ने कुछ वक्त पहले एक उपग्रह को सफलतापूर्वक स्पेस में भेजने के बाद प्रमोट किया था। इसका नाम किम जोंग-सिक है। वो 20 सालों से भी ज्यादा लंबे वक्त तक एक्सपीरियंस रखने वाला एक टेक्निकल एक्सपर्ट है जिसे नॉर्थ कोरिया के परमाणु संपन्न इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्लांट्स का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। किम जोंग-सिक को नॉर्थ कोरिया के सर्वोच्च सम्मान किम जोंग इल से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा देश के आर्म्स एन्यूमिशन विभाग में सर्वोच्च पद भी मिला हुआ है। खबरों की माने तो साउथ कोरिया के इंटेलिजेंस विभाग ने यह वार्निंग दी है कि जल्द ही नॉर्थ कोरिया एक और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट फायर के लिए तैयार किया जा रहा है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के एलीट 38 नॉर्थ वॉच डॉग के साथ काम करने वाले माइकल मैडन ने इस रॉकेट साइंटिस्ट को देश के मिसाइल प्रोग्राम में की फिगर बताया है। मैडन ने बताया कि वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। वो लगभग सभी मिसाइल टेस्ट और देश की डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े लगभग हर मसले पर मौजूद होते हैं। इन्हीं की मदद से देश की मिसाइल्स में आने वाले कई प्रॉब्लम्स में सुधार कर एक टेक्निकल बेंचमार्क तक पहुंचाया गया है। टीम इंडिलिंक्स।